पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के बनेली पंचायत के खाना घाट में आग लगने से चार परिवारों का घर जलकर राख हो गया। बताया गया कि चिंगारी से अचानक आग लगने से चार परिवारों का घर जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कस्बा पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर किसी तरह काबू पाया। वहीं सूचना के बाद मुखिया नसीम अख्तर, पूर्व मुखिया मोहम्मद जैनुल, उप मुखिया नजरुल हक, पूर्व समिति अब्दुल जब्बार, ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान बताया गया कि नाजिर अबूर बकर, बशीर सेताबूर, जहांगीर, तनवीर फिरोज, अलकैज साहब, मोहम्मद नूरुल समेत चार परिवारों का घर आग में जला है। लगभग 5 लाख की इसमें क्षति हुई है। ये अचानक रात 11:30 बजे जी भनसा घर से आग लगी जी, और लगने के बाद पूरा जब ऊपर आ गया तब गांव वाले को मालूम हुआ, घर वाले को मालूम हुआ, तब पूरा समाज का आदमी यहाँ आया। आने के बाद पानी उनी मशीन स्टार्ट करके तब किसी तरह उस पर काबू पाया गया। बाद में फिर दरोगा वहाँ से पुलिस बल और दमकल आया। आने के बाद तब जो भी बचा खुचा था उस पर काबू पाया। इस परिवार को अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी लाभ नहीं मिला। अच्छा, कोई जाँच अभी तक? जांच अभी तक प्रशासन, पुलिस प्रशासन जांच करके रात में गई है जो जी। उसके बाद अभी तक नहीं आए, लेकिन कर्मचारी से बातचीत हुई, वो बोले कि हम आ रहे हैं 12 बजे तक आ रहे हैं। अच्छा। उसका नाम है अबिदुल्ला। अच्छा अच्छा। और नजीर। अच्छा। और क्या है, अलकास। अच्छा। और एक उस साइड में जो हुआ वो बशीर का बेटा शाहबाज। चार परिवार का घर जला। वही रात 11:30 बजे से हम तो सो नींद में थे, हमारा परिवार उठाया जी, तो हमारा बुढ़िया बुढ़ा का घर से निकाले जी। उसके बाद आदमी जुटा जी, जुट करके सामान कुछ नहीं निकल नहीं पाया। अच्छा। तो किसी तरह जान जान लेके भागा, बाकी जान के अलावा कुछ नहीं बचा। हमारा कपड़ा लगता तो चल के कितना का नुकसान हुआ होगा? बस ये मुर्गी भैया पैसा भी था, इन लोग का कितना रुपया? वही 6-7 लाख का था। जलालगढ़ थाना क्षेत्र के चकपंच